प्रिय छात्रों, आज हम क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें हम जो युगपत समीकरण पढ़े थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करने की मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहला मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स में चार प्रकार की मेथड्स है, ग्राफ मेथड है, यानी कि ग्राफी मेथड, ग्राफी सॉल्यूशन में आप ग्राफ के ऊपर ही इसको शो करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। उसके बाद में दूसरी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, तीसरी आपकी विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, और चौथी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज हैं, 3.3 इसमें विशेष रूप से हम प्रतिस्थापन विधि को यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें किसी वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब रखना है, प्रतिस्थापित करना है। नाम से स्पष्ट है, ऐसा आप याद रख ले कि इस विधि में हम एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू निकाल करके और उसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं। इसका पूरा मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेथड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और जब भी दो इक्वेशंस आपको आएगी तो सबसे पहले अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव करना है या सॉल्व करना है तो बेटर है कि हम ये देखें कि एक्स और वाई के साथ में कोफिशिएंट नहीं हो, वो इक्वेशन आपकी शुरुआत में लेना है। मतलब स्टार्टिंग इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, पर हमारे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसी इक्वेशन से स्टार्ट करें जिसमें एक्स या वाई के कोफिशिएंट्स नहीं हो। कोफिशिएंट से मतलब यहाँ अगर 2x होता, 3y होता, 4x होता, 5 होता, ये सब कोफिशिएंट कहलाते हैं। फिलहाल दोनों इक्वेशन बहुत अच्छी हैं, जैसे यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन को इसमें स्टार्टिंग में लेना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स आपको यहाँ चलना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से हम चलते हैं। इसमें देख रहे हैं आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, तो इसमें से या तो आपको x या y जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो y को उधर शिफ्ट कर देंगे, या y का वैल्यू निकालते हैं तो x को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 14 माइनस वाई, इसको देंगे हमेशा हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी तक का आपको मेथड समझ में आया, किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं आप। मान लीजिए इक्वेशन 1 को हमने लिया, उससे एक वैल्यू x का बनाया, तो जो इक्वेशन आया उसको 3 बोला। अब ये जो इक्वेशन 3 आई, चूंकि हमने 1 का यूज़ कर लिया है, तो ये जो 3 है इससे जो x का वैल्यू आया इसको हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है। यानी कि हम लिखेंगे कि समीकरण कौन सी में, 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो यहाँ x की जगह आप कितना रखने जा रहे हैं, 14 माइनस वाई, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आप नाम ही उसका प्रतिस्थापित था, यानी कि प्रतिस्थापन किया आपने, सब्स्टिट्यूट किया, देखिए आप x का वैल्यू रखा। अब इसको सॉल्व करें तो केवल एक वेरिएबल बचा आपके पास, वो वैल्यू पहले आ जाएगा, जैसे 14 माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 4। या इसी को हम देखें तो आपको y का वैल्यू निकालना है, इसलिए y को हम LHS में ही रखते हैं, और ये जो वैल्यू है 14 ये प्लस का है, तो इधर जा कर के माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा आपका 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 करते हैं तो माइनस 10 बचेगा। आपको पता है एक प्लस का और एक माइनस का अगर वैल्यू होता है तो हमेशा आपको सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना चाहिए और बड़े नंबर का साइन लगाना चाहिए। तो ये आपका प्लस और माइनस था, इसलिए 14 माइनस 4 किया 10 आया, और माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है। दोनों तरफ अगर माइनस हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल करने का मतलब मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 10,
और इसलिए y का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 अपॉन 2, यानी आंसर हो गया आपका 5। तो y का वैल्यू आपका हो गया 5। जैसे ही y का वैल्यू आता है, इसको इक्वेशन 1 या 2 में नहीं पुट करना है, इस मेथड में आपको इक्वेशन 3 में पुट करने से डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको लिखना है कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का अगर मान रखते हैं तो देखिए y की जगह आप कितना रखने जा रहे हैं, 5। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14 माइनस y, y का वैल्यू है 5। इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया 14 माइनस 5, दैट इज 9। इस प्रकार से दोनों का जब सॉल्यूशन आ जाए तब आप लिख दीजिए कि देयर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, दी गई समीकरणों का जो हल है, x का वैल्यू तो 9 है और y का वैल्यू कितना है, 5 है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे चेक करके बताते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए आप, x प्लस y इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 14। x की जगह आपने वैल्यू पुट किया 9, y की जगह वैल्यू पुट किया 5, तो 9 प्लस 5 मिलकर के कितना आ रहा है, 14। आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में भी चेक करने के लिए पुट कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर मैं x की जगह 9 और y की जगह 5 रखता हूँ, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4। इस प्रकार से चेक भी कर लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन से, अब विशेष बात ये है कि यहाँ तो आपके वेरिएबल्स जो थे उनके कोफिशिएंट नहीं थे। अब हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, और भी आगे देखिए, मैं सभी क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसका सेकंड पार्ट तो आप कर सकेंगे, बट उसमें अपान दे रखा है, तो मैं आपको पहले इसको सिंपल बना देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, इसमें लिखा है आपका s माइनस टी इक्वल्स टू 5 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है संभवतः ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 या इस टाइप से होना चाहिए। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ x, y LHS में थे, नंबर उधर थे, तो इस टाइप का ये इक्वेशन थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है, इसको हम सिस्टमेटिक बनाएंगे। ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन जो 2 है इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, इसको चाहो तो इक्वेशन 2 दे दो। तो यहाँ सबसे पहले तो लिखना कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन 2, समीकरण 2 को हम सरल रूप में बदल रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ LCM ही बेटर तरीका रहेगा। तो LCM कितना आया, 6 आया, और अगर LCM 6 आया तो 3 का डिवाइड आप 6 में करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई s से करेंगे तो 2s, प्लस है तो प्लस, 2 का डिवाइड आप LCM में करेंगे 3 टाइम्स होगा, 2 तिया 6, जो 3 आया उसका गुणा ऊपर करते तो 3t हो जाएगा, इक्वल्स टू आया 6। इस प्रकार से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इसको बेटर है कि हम इक्वेशन नंबर 3 दे दें, मतलब ये इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो देखा जाए तो 1 और साथ में 3 को सॉल्व करना है, क्योंकि 2 से ही हमने क्या बनाई थी, 3। तो अब हम लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 में हम देख रहे हैं कि s माइनस टी इक्वल्स टू 5 है और साथ में 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36 है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी 3 है। 3 इस बार इसलिए आई कि यहाँ पर इक्वेशन 2 को हमें एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना पड़ा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो आपको ये देखना चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन में से बेटर इक्वेशन कौन सी रहेगी जो स्टार्टिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर देख रहे हैं s का और t का दोनों ही कोफिशिएंट नहीं है, जबकि इसमें 2 और 3 हैं, तो हम इक्वेशन 3 को नहीं लेंगे बल्कि इक्वेशन 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक्स वाई में भी हो सकता है, एस टी में भी हो सकता है, यू वी में भी हो सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वेरिएबल्स के क्वेश्चन है आपके कोर्स में, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को लेना क्यों चाहेंगे, शायद आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें s और t दो वैल्यू है अपने पास, दो वेरिएबल्स है, तो आप किसी भी एक का वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो मान लिया जाए मैं s का वैल्यू निकालता हूँ, जैसे पहले x का निकाला था इस प्रकार से, तो s इक्वल्स टू ए टी उधर शिफ्ट होगा, LHS टू RHS, जब भी कोई नंबर जाता है या कोई वेरिएबल जाता है तो उसका साइन बदल जाता है, मतलब ये जो t माइनस का दिख रहा उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हम 4 देंगे। पहले हमने 3 दिया था क्योंकि 1 और 2 ही थी, इस बार 3 एक्स्ट्रा है। अब ये जो वैल्यू आई है एस का वैल्यू आया और इसको हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया, एक इक्वेशन 1 से अगर निकाला तो आपको रखना किस में, नेक्स्ट यानी कि 3 में रखना है, ठीक है। तो इसको हम ये कहेंगे कि एस का मान समीकरण
तीन में रखने पर, ठीक है, ये जो s का मान आया इसको हम समीकरण तीन में रख रहे हैं। तो देखिए आप, टू साथ में s लिखा हुआ, तो s की जगह हम लिख रहे हैं 5 + t + 3t = 36। इस प्रकार से हो गया आपका 10 + 2t + 3t = 36, यानी कि हो गया 5t, और ये 10 उधर शिफ्ट होगा तो ये हो गया आपका 36 - 10, यानी 5t = 26 आया, और इसलिए t का वैल्यू हो गया आपका 26/5। ये सब आपको आता है क्योंकि हमने 9th में भी इस टाइप के पैटर्न किए कि अगर, या यहाँ भी देखें तो हम जब इधर शिफ्ट होता है कोई, जैसे ये प्लस का था ये माइनस का था तो इधर आकर के प्लस हुआ, ऐसे यहाँ पर हम मान सकते हैं कि टी के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इधर जाने के बाद डिवाइड फॉर्म में आ जाता है, तो एक वैल्यू आपकी ऐसे आ जाती है। जब एक वैल्यू आ जाती है तो इसको हम इक्वेशन 1 या 3 में न रख करके किस में रखेंगे, हम जो इक्वेशन आपने इनसे बनाई थी, मीन्स नेक्स्ट इक्वेशन बनाई थी 4, उसमें रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि टी का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4, समीकरण 4 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 4, देन वी गेट s = 5 + t का वैल्यू हमारे पास 26/5। इस प्रकार से LCM ही बेटर रहता है ऐसे मेथड में, ठीक है। 5 LCM आया, 1 का डिवाइड अगर आप 5 में करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, प्लस 5 का डिवाइड 5 में किया 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई 26। इस प्रकार से S का जो वैल्यू आया वो आया आपका 51/5। एस और टी जब दोनों के वैल्यू आ गए, देयर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसलिए समीकरणों का जो हल आया, एस का वैल्यू तो आया 51/5 और टी का वैल्यू आया आपका 26/5। अब आपको थोड़ी सी आशंका लग रही कि आंसर थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेक करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मान ले जाए मैं इसमें पुट करता हूँ 1, किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लेना चाहिए जो आपको सिंपल लगता है। जैसे मान ले जाए एस का वैल्यू इसमें पुट करता हूँ 51/5 माइनस टी का वैल्यू है हमारे पास 26/5, LCM हो जाएगा 5, तो 51 - 26 यानी 25/5 आया, इसको कैंसिल करेंगे 5 आ गया, जो RHS में 5 है उससे मैच हो रहा है, यानी आपका जो आंसर है चाहे वो आपको ऐसा लग रहा है बट वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये मेथड था आपका कौन सा, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि। मतलब प्रतिस्थापन में आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि जो दो इक्वेशंस रहती है उसमें से बेटर है कि सिलेक्शन उसका करें जिसमें कोफिशिएंट्स नहीं हो। अब किसी बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा हो कि ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें दोनों में कोफिशिएंट्स हो, तो ऐसा इक्वेशन भी एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है उसमें इस प्रकार के, जैसे थर्ड वाले में हैं, फोर्थ वाले में पॉइंट वाले हैं, फिफ्थ वाले में रूट वाले हैं, सिक्स्थ वाले में अपान वाले हैं, तो सब अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन हैं, इसलिए हम नेक्स्ट में